आज की ताज़ा खबर। इस साल नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप, IPL का रास्ता साफ। कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में होने वाला इस साल का विश्व टूर्नामेंट पहले ही खतरे के बादल में मंडरा रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड का आयोजन नहीं करने पर चिंता जताई है। इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC बोर्ड की सोमवार को टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आयोजन का रास्ता भी खुल गया है। ICC ने टेली कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह बयान जारी किया है कि ICC ने ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने खेल मंत्री रिचर्ड कॉलबेक ने कहा कि उनका देश T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की मेजबानी करने की चुनौती से पार कर सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या टूर्नामेंट का आयोजन दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में करना सही होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण जैसे हालात हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में इस साल दर्शकों के साथ T20 वर्ल्ड कप का आयोजन मुश्किल था और बिना दर्शकों के वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के आयोजन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा आज की बैठक में ICC बोर्ड ने कोविड-19 के कारण प्रभावित क्रिकेट को पूरा करने के लिए अगले 3 साल के कैलेंडर में ज़्यादा स्पष्टता लाने की कोशिश की है ताकि सबसे अच्छा अवसर मिल सके। इसके साथ ही 2023 में भारत में प्रस्तावित वनडे वर्ल्ड कप मार्च अप्रैल की जगह नवंबर में खेला जाएगा ताकि क्वालिफाइंग की प्रक्रिया के लिए समय मिल सके। आइए आपको बता दें कि ICIC के पुरुष वर्ल्ड कप का क्या है आयोजन। ICC पुरुष का T20 वर्ल्ड कप 2021 अक्टूबर नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा और 14 नवंबर 2021 को फाइनल होगा। ICC पुरुष का T20 वर्ल्ड कप 2022 अक्टूबर नवंबर 2022 को आयोजित होगा और 13 नवंबर 2022 को फाइनल होगा। ICC पुरुष वर्ल्ड कप 2023 भारत में अक्टूबर नवंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा और 26 नवंबर 2023 को फाइनल होगा। दोस्तों आइए जानते हैं कब IPL हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2020 के स्थगित होने पर अब IPL का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक BCCI IPL सीजन 13 का आयोजन 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच करने का विचार हो रहा है। यह संभव है कि BCCI IPL सीजन 13 को UAE में आयोजित कर सकता है। IPL सीजन 13 की मेजबानी के लिए श्रीलंका और UAE पहले ही BCCI के सामने मेजबानी का प्रस्ताव रख चुके हैं। अब तक 2 बार IPL को भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा चुका है। अब 2009 के IPL संस्करण को लोकसभा चुनाव के कारण दक्षिण अफ्रीका में ले जाया गया था। इसके बाद 2014 के समय भी IPL के पहले 2 हफ्ते की मेजबानी UAE ने ही की थी।